नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। राजस्थान में कोरोना के केस बढ़ने के साथ साथ अब इस बीमारी से मौत भी होने लगी है। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट देखें तो पूरे प्रदेश में 29 नए मरीज मिले हैं। वहीं बीकानेर में एक 20 साल की बच्ची की मौत हो गई। 19 दिन बाद राज्य में कोरोना से मौत हुई है। इससे पहले नवंबर में जयपुर में एक 2.5 साल के बच्चे की मौत हुई थी। बता दें कि मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देखें तो आज सबसे ज्यादा 15 मरीज जयपुर में मिले हैं। जयपुर में 2 मरीज ऐसे संदिग्ध हैं जिनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट होने की आशंका जताई जा रही है और इनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब भिजवाए गए हैं। मैं बता दें कि राजस्थान में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए सभी 9 लोग असिम्प्टोमेटिक पाए गए हैं। जयपुर के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने सोमवार को कहा कि राजस्थान के जयपुर में सभी 9 ओमिक्रॉन कोविड-19 प्रकार के रोगी असिम्प्टोमेटिक हैं। सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने कहा, सभी 9 ओमिक्रॉन प्रकार के रोगी असिम्प्टोमेटिक हैं। हम मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और संपर्क ट्रेसिंग कर रहे हैं और प्रभावी उपाय कर रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा और चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया ने सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, सीएमएचओ, पीएमओ व संबंधित अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग व रैंडम सैंपल लेने के निर्देश दिए हैं। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।